हेलो एवरीवन, यार दिस इज मोहसिन हियर फ्रॉम बी ब्राउन एकेडमी अहमदाबाद। हाउ आर यू? होप यू गोइंग टू ऑल वेल। ओके, फिर आज आगे हम आपके पास एक नया टॉपिक लेके। आज की टॉपिक है कंसल्टेशन। मेरा सैलून नहीं चल रहा है, क्लाइंट एक बार जाने के बाद दोबारा रिपीट नहीं आता है। जस्ट ओनली यूज 5 टिप्स, आपका सैलून चलेगा नहीं दौड़ेगा, ट्रस्ट मी। फर्स्ट आपको यूज करना है आस्क फॉर एवरी क्लाइंट। आप अपने क्लाइंट से पूछो कि यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू, आपको क्या चाहिए मैडम, आपको क्या कराना है। फर्स्ट आस्क, सेकंड इज लिसन। जब क्लाइंट आपसे बात करे तो आपको सुनना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट को क्या चाहिए, एनी केमिकल, एनी हेयर कट, एनी सर्विस। थर्ड, टच। जब भी आप कोई भी सर्विस करते हो तो कभी भी आपको टच भी अगर आपको करना है हेयर को, तो वो भी पूछ के आपको करना है। बिफोर चेक ऑलवेज, जब कभी भी आपको टच करना है तो आपको पूछ के टच करना है। फोर, योर लैंग्वेज। लैंग्वेज नॉट जस्ट योर स्पीच, एवरीथिंग योर लैंग्वेज, लाइक योर हेयर, योर हैंड, योर बॉडी, योर पर्सनैलिटी, एवरीथिंग योर लैंग्वेज। कभी भी ऐसे खड़े होकर क्लाइंट से बात नहीं करेंगे, ऐसे खड़े होकर बात नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट के साथ ऑलवेज अपने आप को यूज करना है। फाइव, आई कॉन्टेक्ट। जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करते हो तो आपका जो लुक है वो आपके क्लाइंट के हेड पे होना चाहिए, ना कि उसकी उसकी बॉडी पे, उसने क्या पहना है। जस्ट ओनली लुक योर प्रोफेशन। हमारा प्रोफेशन क्या है? हेयर। तो हम उसके हेयर को देखेंगे ऑलवेज, या उसके आईज टू आईज डाल के हम उससे बात करेंगे। और ऑलवेज आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए, और आपको सॉफ्टली बात करना है अपने क्लाइंट के साथ। लूडली बात नहीं करना है, बहुत सॉफ्टली बात करना है, रिस्पेक्ट के साथ आपको बात करना है। और यही चीज आपको फॉलो करना है, और ये चीज आप थोड़ा यूज करके देखो आपके सैलून के अंदर। आपने अपने स्टाफ को थोड़ा ट्रेन करो, ये चीज अपने क्लाइंट के अंदर लेके आओ, तो आपका सैलून चलेगा नहीं दौड़ेगा, ट्रस्ट मी। और मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सैलून के अंदर सैलून को और अच्छा कैसे चलाएंगे। अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।